तो दोस्तों इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में कुल 4 नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, जिनकी जो लॉन्च डेट है वो 100% ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है और ये जो स्मार्टफोन्स हैं वो फ्लिपकार्ट पे भी लिस्ट हो चुके हैं। अब ये चारों कौन कौन से स्मार्टफोन है, किस कंपनी के स्मार्टफोन है, इनके क्या फीचर्स होने वाले हैं, किस प्राइस पॉइंट पर आएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साथ में अगर आपने आज के बेस्ट स्मार्टफोन डील्स को भी चेकआउट नहीं किया तो व्यू प्रोडक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन सभी डील्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर स्मार्टफोन के बारे में बात करूं जो कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होने वाला है और इसकी जो लॉन्च डेट है वो भी यहां पर कंफर्म हो चुकी है, तो ये स्मार्टफोन निकल कर आता है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स अपना एक सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए प्लान कर चुका है और कल इसकी जो लॉन्च डेट है वो निकल कर आ चुकी है। इस स्मार्टफोन का नाम होने वाला है इन्फिनिक्स हॉट 30i और ये इन्फिनिक्स का एक सस्ता 4G स्मार्टफोन होने वाला है। स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में बात करूं तो डिजाइनिंग आपको एक अच्छी डिजाइनिंग कह सकते हैं कि इस प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगी। कोई ग्लास बैक वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्लास्टिक का ही जो बैक पैनल है वो यहां पर दिया गया है। साथ में 6.6 इंचेस की एक HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन के साथ में। इसके साथ में 6000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहां पर नहीं दिया गया है। 8GB रैम प्लस आपको 8GB वर्चुअल रैम का जो सपोर्ट है वो देखने को मिलता है और ये इसका हाई एंड वेरिएंट है। साथ में 128GB स्टोरेज भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो प्रोसेसर यूज हुआ है वो है मीडियाटेक हीलियो G37 4G प्रोसेसर, जो कि एक बजट 4G प्रोसेसर है। साथ में 50MP का कैमरा भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन की बात करूं लॉन्च डेट के बारे में तो 27 मार्च को ये जो स्मार्टफोन है वो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में दोपहर के 12 बजे लॉन्च होने वाला है। प्राइस इसकी आपको कह सकते हैं कि जो बेस वेरिएंट होगा स्मार्टफोन का वो लगभग आपको 6-7 हजार रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेगा और जो हाईएस्ट वेरिएंट होगा वो 10 हजार रुपए के करीब की प्राइस पॉइंट पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपका क्या ख्याल है स्मार्टफोन के बारे में, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं, अगला जो स्मार्टफोन है वो निकल कर आता है आईक्यू की तरफ से। आईक्यू अपनी जी सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होने वाला है आईक्यू G7 5G और ये जो स्मार्टफोन है वो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 21 मार्च को लॉन्च होने वाला है दोपहर के 12 बजे। स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में बात करूं तो यार आईक्यू ने यहां पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की है। आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले डिजाइन के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो कम से कम इस प्राइस वाले स्मार्टफोन में वाटर ड्रॉप नॉच सही नहीं लगता, लेकिन यहां पर बड़ा सा वाटर ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिलता है। साथ में डुअल रियर कैमरा आपको देखने को मिलता है, जो कैमरे की डिजाइनिंग वो भी आपको काफी देखने को मिल जाती है। साथ में प्लास्टिक का है जो बैक पैनल है वो यहां पर यूज किया गया है, कोई आपको ग्लास का जो बैक है वो देखने को नहीं मिलता। स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आपको 6.38 इंचेस की एक FHD+90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात है। इसके साथ में यहां पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का जो 5G प्रोसेसर है वो देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली 920 के साथ में काफी सारे स्मार्टफोन अवेलेबल है, लेकिन ये स्मार्टफोन भी एड हो रहा है और जितने भी स्मार्टफोन अभी 920 5G प्रोसेसर के साथ में जिस प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है उनसे सस्ता ही ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। 64MP का OIS बेस्ड डुअल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm ऑडियो जैक और साथ में 44W का चार्जर, 4500mAh की बैटरी। तो ये सभी फीचर्स होने वाले हैं आईक्यू G7 स्मार्टफोन में। स्मार्टफोन जो है वो 6GB 128GB और 8GB 128GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिलेगा। जो स्टार्टिंग प्राइस होगी स्मार्टफोन की वो होगी 17,999 रुपए और ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव आपको देखने को मिलेगा। 21 मार्च को इसका लॉन्च है। आपका क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन के बारे में, आप इस स्मार्टफोन के साथ में जाना पसंद करेंगे या फिर नहीं करेंगे, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं, अगला जो स्मार्टफोन है वो निकल रहता है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपने 2 नए 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने की प्लानिंग कर चुका है और ये जो स्मार्टफोन है वो 16 मार्च को लॉन्च होने वाले हैं ऑफिशियली फ्लिपकार्ट पे। यहां पर पहला जो स्मार्टफोन है वो निकल कर आता है सैमसंग गैलेक्सी A34 और ये स्मार्टफोन भी आपको 5G देखने को मिलेगा। यहां पर 6.6 इंचेस की एक FHD प्लस आपको 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ में मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 का 5G प्रोसेसर दिया गया है, 48MP का OIS बेस्ड आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, 13MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है। अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं, अगला जो स्मार्टफोन है वो
निकल रहता है सैमसंग गैलेक्सी A54 5G और इस स्मार्टफोन में सैमसंग अपना खुद का 5G प्रोसेसर यूज करने वाला है जो कि है डायमेंसिटी जो कि है एक्सिनोस 1380 का 5G प्रोसेसर। इसे आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G के ही इक्विवेलेंट कह सकते हैं। साथ में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहां पर भी देखने को मिलती है। 50 मेगापिक्सल का OIS बेस्ड आपको ट्रिपल लेयर कैमरा देखने को मिलता है। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए दिया गया है। 5000mAh की बैटरी है। 25 वाट का चार्जर है। तो ये जो स्मार्टफोन है दोनों के दोनों, वो एक स्मार्टफोन आपको 30-40 हज़ार रुपए की रेंज में दोनों ही स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ये हैं कुछ चार नए स्मार्टफोन जो कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। सारे स्मार्टफोन्स की लॉन्च डेट मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। आप ये ओपिनियन अपना हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना कि आप इनमें से कौन से स्मार्टफोन के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं। दोस्तों फिलहाल ये था कुछ इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।